लूट की घटना में वांछित दो लुटेरों को सैजनवा और चिलवाताल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चिलवाताल थाना क्षेत्र के मानी राम निवासी अजहरुद्दीन पुत्र अली हुसैन और सैजनवा थाना क्षेत्र निवासी राम सिंह पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई है। इनमें से एक अभियुक्त अजहरुद्दीन 5,000 का इनामी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक कारतूस, चोरी की एक बाइक और 22,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी रोहन भोत्रे ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से दो लूट की घटना का अनावरण हुआ है। ये अक्सर झपट्टा मार कर लोगों से रुपये लूट लिया करते थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी वासियो कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। कुछ दिन पहले सैजनवा और चिलवाताल में कुछ लूट की छिनैती की घटनाएं हुई थी। पुलिस लगातार प्रयास में थी कि इन घटनाओं को रोका जाए और जो मुलजिम है इनको गिरफ्तार किया जाए। आज मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली कि ऐसे दो लोग जो कि संदिग्ध थे, पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे दो लोग हो सकते हैं। इनका नाम है राम सिंह और अजहरुद्दीन। इनके बारे में सूचना मिली तो भीटी रावत चौराहे पे इनको बाइक के साथ पकड़ा गया था। इनका मेन काम है छिनैती करना और लूट करना। कई मुकदमे इन दोनों के खिलाफ दर्ज है। अजहरुद्दीन जो कि एक इनामी भी है उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज है। तो स्वाट टीम और सैजनवा पुलिस, चिलवाताल पुलिस तीनों के सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। इनके पास करीबन 22,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं, 22,000 रुपीज़। इसमें से 10,000 रुपये चिलवाताल की जो चोरी हुई थी उसके हैं और 12,000 रुपये सैजनवा की जो चोरी हुई थी 42,000 रुपये के उसके हैं। अजहरुद्दीन 5,000 का नाम है।